तो शीशराम जी डेथ घोषित हो चुके हैं। मुझे मरा घोषित करा। अरे कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा? महंत हॉस्पिटल है। महंत हॉस्पिटल? हाँ महंत हॉस्पिटल। मतलब महंत हॉस्पिटल से आप मरे हुए घोषित हो चुके हैं और यहाँ जिंदा है? यहाँ जिंदा जी। हाँ क्या बात है, बताइए। ये बताइए क्या है, जरा बता दे, पहले बता दीजिए है क्या चीज़। ये बताइए, इसे देखो, पहले पेपर देखो, पढ़ो। मैं झूठ बोल रहा हूँ, पेपर पढ़ो। ये सरकारी संपत्ति है कोई? ये मतलब कोई ऐसी नहीं है। ये नदियाँ हैं जो आज डंगर जानवर हाथी शेर मरेंगे, वो कौन मालिक होगा इसका? इनकी जो सोसाइटी है, DM है, कमिश्नर है, जिले का मालिक SB है, DIG है, AG है, देश के प्रधान को थोड़ी इतना बता दे रहा है। ये अकेले आदमी का बड़ा जिला है वो नहीं। सहारनपुर कितना बड़ा है जिला? सहारनपुर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। 100 किलोमीटर का एरिया में घूमे, देहरादून भी है, 300 किलोमीटर का एरिया यो भी है, दिल्ली मेरठ कहाँ है, हरिद्वार कहाँ है, अब इतना बड़ा एरिया है यो। अब ये बता कहाँ कहाँ घुमा के ला आदमी, बताइए मुझे है। और इसमें एक एक आदमी सही है और सारे मतलब चोर हो रहे हैं, ये तो गलत हो रहा ना। और जो मतलब गहराई नीचे है, हमारी गाय है, भैंस है, या बछड़ू है, या कोई जानवर भी है, अगर वो डूब का बरसात का पानी आता है, काफ़ी लोग रात को सब सो जाते हैं पड़ गए, और वो गिर जाता है जाकर, जब प्यास लगती है पानी की, कोई भी इंसान जाता है झोल में पानी पी जाता है, वो गिर जाता है, डूब जाता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा ये बताइए? क्या मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जिम्मेदार कौन होगा? मैं ये कह रहा हूँ कि आप सपोर्ट मोदी को करने आए हैं या क्या? मोदी की? मैं तो मोदी को सपोर्ट करने देता, वोट भी नहीं दिया था मरते मरते ने। आज हॉस्पिटल में मेरी जेब में एक पैसा नहीं है, 4 लाख मांगे मरा घोषित कर रखा मुझे हॉस्पिटल वाले ने। आप मरे? अच्छा आप मरे घोषित हो? मरे घोषित कर रखा मेरे को उसने, और मेरे को देखा मैं जिंदा खड़ा तुम्हारे सामने, जिंदा खड़ा। बाकी मैं कोई गलत काम कर दूँ तो कल को कौन फंस गया हॉस्पिटल वाला? क्यों? अरे ये नहीं, पैसा मेरे पास ना, ना कोई माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना चाचा है, ना ताऊ, ना ऊपर ना नीचे, जनता ने पैसा मेरे ऊपर लगाया। मोदी जी को ये रिपोर्ट सौंपने आए थे या क्या करने आए? आता सौंपने आता लिया नहीं मोदी ने? मोदी ने लेने लिया, यहाँ के जिनका कर्मचारी पुलिस के थे उन्हें लेने दिया। अभी मैंने फैस करूँगा दिल्ली, अभी करूँगा लखनऊ, उसके बाद का हाईकोर्ट इलाहाबाद। जो भी पैसा दिया भीख मांगनी पड़े, फैस तो मुझे करनी करनी, कल को सबूत अपने पास नहीं रखना। क्यों आज इतनी बड़ी महफिल जमी हुई थी, पूरे देश की महफिल जमी हुई थी, अच्छे लोग भी आ रहे हैं, बुरे भी हैं, शरीफ भी है, सभी किस्म के लोग हैं। अगर जब उन्होंने नहीं सुनी है, हैं किसी भी साथ में अत्याचार हो सकती है, वो एक गरीब आदमी है, अगर 100 रुपये 1000 रुपये पड़े जेब में हैं, अगर 10 लाख रुपये कहाँ तक खर्च करका ये बताए? कोर्ट कचहरी कितने मुकदमे चल रहे लोगों के, 1000 बीघे जमीन चली गई। तब सबसे बड़ी बात, आपका नाम क्या है? शीशराम। तो शीशराम जी डेथ घोषित हो चुके हैं? मुझे मरा घोषित करा। अरे कौन सा हॉस्पिटल, कौन सा? महंत हॉस्पिटल है। महंत हॉस्पिटल? हाँ महंत हॉस्पिटल। मतलब महंत हॉस्पिटल से आप मरे हुए घोषित हो चुके हैं और यहाँ जिंदा है? यहाँ जिंदा जी। मैंने दवाइयाँ खाई, जड़ी बूटियाँ खाई मैंने जंगलों में निकल के, मैं रोड पर निकाल दिया इसे। अरे खबर और सबूत दूसरे बने या ना बने, लेकिन काम की बात तो ये नजर आई कि आदमी मरा हुआ घोषित हो चुका पर जिंदा है। भाई इसका क्या होगा? ये कागजों के चक्कर में कब तक फंसे रहोगे? जो सामने है उनकी बात करते नहीं।